खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। बिजली विभाग मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। रतिया में घग्गर नदी के किनारे बने रतिया टोहाना बाईपास रोड पर 50 लाख रुपए की लाइटें लगने के बावजूद भी सफेद हाथी बनी हुई है और यह लाइटें पिछले काफी समय से खराब पड़ी है। इतना ही नहीं, बाईपास पर वार्ड नंबर 4 से संबंधित बिजली का ट्रांसफार्म भी बार बार टाइपिंग करने को लेकर अंधेरा छाया रहता है, जिसको लेकर बाईपास इलाके के लोग भड़के और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका में बिजली विभाग के खिलाफ अनदेखी के आरोप लगाए और कहा कि 50 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका ने स्ट्रीट लाइटें तो लगा दी, मगर इनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। बाईपास इलाके के लोगों ने चेतावनी दी है, जल्द ही अगर स्ट्रीट लाइटों का समाधान नहीं किया गया तो वह बड़ा प्रदर्शन करेंगे और धरने पर बैठेंगे। मामला ये है कि जड़ा बाईपास से लगा ट्रांसफार्म लगा है, ये बहुत ही नुकसानदायक है। कई बार तारा भिड़ जांदियां ने ते आन जान लई खतरा बने होया है, ते जड़े बाईपास ते ने लाइटां ये भी चसदियां ते ये भी खराब होईयां ने, जो कि आन जान वाले साधन वास्ते भी ये दिक्कत है, कई बार एक्सीडेंट का कारण भी बन जाता है। ते कई बार असी रात नूं इत्थे ट्रांसफार्म खराब होंदा, असी ठिकरी पैरा भी दिंदे आ रात नूं ते ताकि कोई भी व्यक्ति नूं इत्थे नुकसान ना होवे। ते आ ट्रांसफार्म बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ते असी साडी यही मंग है कि ये ट्रांसफार्म नया करवाया जाए। लाइटा ने बाईपास चालू करिया जाना, क्योंकि रात नूं ठीकरी पहरा देना हुंदा जी नशे दे कारण, चिट्टे के कारण कई डैथा हो गया मुंडिया दी जी। तो दोबारा ट्रांसफार्म है जी, बिजली के कट लगते हैं, अद्धे अद्धे घंटे मगरों लगते हैं जी। ट्रांसफार्म खराब है, ट्रांसफार्म खराब है जी, जो फ्यूज लाए देने जंपर उड्डे आते जी, जंपर लाने का फ्यूज उड्डे आता जी। पहला भी मिले हुए जी, इस मामले के साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, जो सा ना सुनवाई करी तो अच्छा तो धरना दिया जाऊगा जी। ठीक है, लाइटा भी लाइटा भी जागते बाईपास दी जी, कदम चालू करा देने जी।